एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं, रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर अंतु इलाके से, जहां ग्राम बहलियापुर से हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें कि अंतु इलाके के रघईपुर गांव में रिंकू वर्मा की हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त आलोक सिंह को आखिरकार पुलिस ने बहलियापुर गाँव से धर दबोचा। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त आलाकत लंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया और इसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। अंतु थाना अध्यक्ष ने बताया कि शनिवार को रघईपुर गांव में रिंकू वर्मा की हत्या कर आरोपी फरार हो गया था और इसकी तलाशी के लिए एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था। अभियुक्त को पुलिस ने गांव के ही एक बाग से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहाँ पूरे किशनी ग्राम सभा में दबंगों ने किया रास्ते को जेसीबी से खुदवा कर बंद। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया मामले की प्रदर्शन के बाद शिकायत। दरअसल यह तस्वीर है बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के पूरे किशनी ग्राम सभा की, जहां दबंगों द्वारा रास्ते को पहले तो जेसीबी से खुदवाया गया और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। जानकारी होने के बाद एकत्रित हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मामले की शिकायत स्थानीय थाने और एसडीएम कुंडा से किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से पुराने रास्ते को दबंगों ने रात में जेसीबी लगवा कर खुदवा दिया और इसे बंद कर दिया। रास्ता बंद होने की वजह से अब उनके आवागमन में परेशानी हो रही है। फिलहाल गांव के दर्जन भर से अधिक ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को शिकायती पत्र दिया। इसके अलावा थाने में भी आरोपी दबंग भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत किया गया सीओ के साथ आवश्यक बैठक, दिया गया निर्देश। बता दें कि उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय द्वारा पुलिस लाइन के सही कॉम्प्लेक्स में सीओ के साथ आवश्यक बैठक किया गया। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के विषय में शासन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान सीओ सिटी शिवनारायण वैश के साथ सीओ सदर अमरनाथ गुप्ता, सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी और सीओ पट्टी आनंद कुमार राय मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जिठवारा इलाके खबर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, कुल तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें जिठवारा इलाके के पर्वतपुर निवासी भट्टा संचालक मनोज सिंह की हत्या में वांछित चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच धनसारी तिराहे के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में शातिर अपराधी अनिल पटेल के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया। घायल बदमाश को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो अन्य बदमाशों राजेंद्र पटेल उर्फ बचौली पुत्र रामदेव रामगंज और विकास पुत्र राम जियाउन निवासी पूरे नगीहा पर्वतपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा और खोखा के अलावा कारतूस भी बरामद किया गया और इन बदमाशों के पास एक सुपर स्प्लेंडर बिना नंबर की बाइक भी बरामद कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।